Okay, so very good morning to all. Today we start our next topic of unit number third, which is firing order. Okay, before the discussing about the firing order, we discuss about some ignition timing. Okay. ठीक है, तो इग्निशन टाइमिंग की हम लोग बात करते हैं पहले कि इग्निशन टाइमिंग क्या होता है अपना. ठीक है, इग्निशन टाइमिंग देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें जब स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करते हैं, एसआई इंजन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है, स्पार्क की नीड होती है. स्पार्क की नीड होती है, ठीक है. स्पार्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, इग्निशन सिस्टम नीड होती है. तो हम लोगों ने तीन इग्निशन सिस्टम पढ़ लिए, ठीक है. डेट इज बैटरी इग्निशन सिस्टम हो गया हमारा, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम हो गया, ठीक है, और एडवांस या मॉडर्न इग्निशन सिस्टम हो गया. ठीक, अब बात करते हैं कि ठीक है, इग्निशन सिस्टम ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड पावर या रिक्वायर्ड करंट जो हमें नीड है फायरिंग के लिए वो मिल जाएगा. बट अब हमारा मेन जो कंसेप्ट होता है या मेन जो फोकस होता है वो होता है कि जब भी हम स्पार्क इग्निशन इंजन को डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन करने के समय हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो मल्टी सिलेंडर इंजन बन रहे हैं हमारा, देखिए अगर सिंगल सिलेंडर इंजन है तो उसमें सिर्फ हमें ये रहता है कि हमें पर्टिकुलर रोटेशन के बाद में स्पार्किंग करनी है. लेकिन मल्टी सिलेंडर इंजन की जब हम लोग बात करते हैं, तो मल्टी सिलेंडर इंजन में हमें इग्निशन टाइमिंग और उसकी सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है. जब मल्टी सिलेंडर इंजन होता है तो इग्निशन टाइमिंग और फायरिंग ऑर्डर या फिर इग्निशन का ध्यान रखना होता है. ठीक है, तो इग्निशन टाइमिंग क्या होगा कि किस टाइम पे हम लोग बेसिकली इग्नाइट कर रहे हैं. तो इग्निशन टाइमिंग क्या होना चाहिए, आइडियली अगर हम लोग बात करें तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक. ठीक है, कि जब हम लोग कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में आते हैं, व्हेन आवर पिस्टन इज एट टीडीसी. ठीक है, तो ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग मानते हैं जब हमें इग्निशन स्टार्ट करना होता है. ठीक है, और अगर हम लोग क्रैंकशाफ्ट के एंगुलर की बात करें, तो एंगुलर क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट में जब इस एंगल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, उस टाइम पे क्या होना चाहिए, आपका इग्निशन जनरेट होना चाहिए, यानी स्पार्क जनरेट होनी चाहिए. ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है इग्निशन टाइमिंग. समझ में आ गया कि इग्निशन टाइमिंग क्या है, इट इज द टाइमिंग टू इनिशिएट द स्पार्क इन द कंबशन चैम्बर एट द पोजिशन when the piston is at TDC and at the end of compression stroke. दोनों एक ही बात है, जब TDC पे piston आ जाएगा तो compression stroke भी अपना end हो जाएगा. ठीक है, अब उसमें अपना आता है firing order. ठीक है, जैसे कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि firing order क्या है यहाँ पे अपना, कि हम जो मल्टी सिलेंडर इंजन है उसमें जो firing करेंगे वो किस sequence में करेंगे. देखिए, firing जब हम लोग कर रहे हैं किसी भी सिलेंडर में, तो उस फायरिंग से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मिनिमम अगर हम लोग बात करें कि एटलीस्ट जो 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपके सिलेंडर के अंदर जनरेट होता है. ठीक है, तो जब इतना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सिलेंडर हमने बना रखा है वो सिलेंडर जो है उसकी सराउंडिंग्स को भी क्या करेगा, हीटअप करेगा. ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं, वाटर जैकेट रखते हैं. लेकिन इंस्टीड ऑफ डैट, आप जो सिलेंडर है वो क्या करता है, उसकी सराउंडिंग को हीट अप करता है. इस केस में मान लीजिए हमारा फोर सिलेंडर इंजन है, एक एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लेते हैं हमारे फोर सिलेंडर इंजन है, सिलेंडर नंबर वन, सिलेंडर नंबर टू, ठीक है, सिलेंडर नंबर थ्री, एंड नंबर फोर, इनके बीच में हमने वाटर जैकेट दिखा दी. तो हमने इनमें क्या होगा, चारों में स्पार्किंग होगी. लेट सपोज अगर हम एक जनरल बात करें कि सर फायरिंग कैसे करनी चाहिए, कि ठीक है एक साथ सब में कर दो, यानी पहले नंबर वन सिलेंडर में फायरिंग, फिर नंबर टू में, फिर नंबर थ्री में, फिर नंबर फोर में. जब हम लोग ऐसा करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि एक साथ हमारे पॉइंट्स पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, हाई पॉइंट हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है. तो इससे क्या होता है, आपके मेटल का डैमेज होता है, मेटल आपका खराब होने लगता है, कंबशन प्रॉपर नहीं हो पाता. दूसरी चीज क्या होता है कि इन चारों जो पिस्टन होंगे, इन चारों सिलेंडर में क्या होगा, पिस्टन लगा हुआ होगा.
और ये पिस्टन आपका क्या होगा, नीचे क्रैंकशाफ्ट से लगे हुए हैं, ये आपकी क्रैंकशाफ्ट हो गई। तो देखिए क्रैंकशाफ्ट जो है, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट और सेकंड वाले में एक साथ पावर दे दी, यानी एक के बाद एक भी दे दी, तो क्या होगा कि लोड क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा आएगा, बाकी एरिया पे बाद में आएगा, तो उससे क्या होता है आपके क्रैंकशाफ्ट में भी डिफ्लेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि फायरिंग ऑर्डर सेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिजाइन ऑफ इंजन। तो दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो स्पार्किंग हम कर रहे हैं उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपने पावर ले रहे हैं, जब आपके इंजन को पावर मिल रही है, तो उस पावर की वजह से आपकी क्रैंक शाफ्ट में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका फायरिंग ऑर्डर सेट किया जाता है। तो अगर हम लोग इसके लिए बात करें कि अगर मान लो सर 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसके लिए फायरिंग ऑर्डर क्या रख सकता हूँ मैं, तो इसके लिए फायरिंग ऑर्डर हम लोग रख सकते हैं 1.3.T.4, ठीक है, या फिर 1.4.2.3, ठीक है, कोई भी फायरिंग ऑर्डर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो हीटिंग एलिमेंट है, जो आपका जो सिलेंडर है, उसका जो डैमेज है वो होता, तो इसमें भी डैमेज है, लेकिन इसमें क्या होगा एक जो उसकी लाइफ है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द कंटिन्यूअस सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपका फायरिंग ऑर्डर होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है फायरिंग ऑर्डर का कि मल्टी सिलेंडर इंजन में, मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क करने का जो सीक्वेंस होगा डेट इज नॉन एज फायरिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो पहली लाइन कह रही है फायरिंग ऑर्डर इन मल्टी सिलेंडर इंजन इज अरेंज सो डेट टॉर्जन मोमेंट इज इवन। देखो जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, टॉर्जन मोमेंट इज इवन एंड द लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, एंड एन इवन फायरिंग ऑर्डर विल इंक्रीज द बैलेंस ऑफ इंजन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ए 4 स्ट्रोक इंजन कंप्लीटली 4 स्ट्रोक वाइल स्ट्रोक रोटेट 2 टाइम्स फॉर ए 4 सिलेंडर इंजन, हेंस इवन फायरिंग शुड हैपन एवरी 180 डिग्री रोटेशन ऑफ क्रैंक, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि हर 180 डिग्री के रोटेशन के बाद क्या होना चाहिए, आपका फायरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल जो हैं आपके फायरिंग ऑर्डर के टाइम हमें कंसिडर करने चाहिए, डेट इज द कंबशन शुड नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली इन 2 और मोर सिलेंडर, ठीक है, एक साथ किसी भी 2 सिलेंडर में हमें कंबशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, यानी 1 में अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो 2 सिलेंडर में एक एट ए टाइम हमें स्पार्क इग्निशन स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। सक्सेसिव कंबशन इन द सिलेंडर डेट स्टैंडिंग साइड बाई साइड शुड बी अवॉइडेड, शो डेट द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द क्रैंकशाफ्ट डज नॉट बिकम वन साइडेड, ठीक है, वन साइडेड नहीं होगा तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा, एक तो लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है, आपके शाफ्ट की जो लाइफ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये अपना फायरिंग ऑर्डर का कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि फायरिंग ऑर्डर क्यों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, देखिए आपके सामने एक फायरिंग ऑर्डर दिया हुआ है 4 सिलेंडर इंजन का, ठीक है, तो ये आपका फायरिंग ऑर्डर है। देखो 1.2.4.3 जो अभी अपन बात कर रहे थे, फायरिंग ऑर्डर जो है आपका 1.2.4.3 नहीं, आपका या तो रहेगा 1.4.2.3, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं 1.3.2.4, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए देखिए इसमें आपके एक सेकेंड, ठीक है, तो बेटा ये अपना रहेगा इंडिकेट द सीक्वेंस, ठीक है, ये तो इसमें इंडिकेशन है अपना, ठीक है, कि कैसे हमारे जो जो रेड कलर का आ रहा है ये आपके बर्निंग को शो कर रहा है, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट है 1 फायरिंग ऑर्डर फॉर इन, ठीक है, ये आपका किस में आ गया, वी और फ्लैट लेआउट में, ठीक है, वी शेप में हो गया, ठीक है, 2 सिलेंडर इंजन अपने ऊपर, सॉरी 2 सिलेंडर इंजन हमारे ऊपर हो गए, ठीक है, तो ये अपना हो गया
1243। नेक्स्ट अपना आता है स्पार्क प्लग। ठीक है, देखो स्पार्क प्लग जो है अपना क्या कर रहा है कि इग्निशन सिस्टम से जो उसको करंट मिल रहा है उसको हमें कम्बशन चैम्बर में प्रोवाइड करवा रहा है। एक तरीके से अपना लाइटर है ये, ठीक है, जो क्या कर रहा है आपको इस कम्बशन चैम्बर में कम्बस्ट करके स्पार्क प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके पार्ट्स हैं आपके टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल्स हैं जो आपके सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोड हो गया आपका, शेल्स हैं। ठीक है, और ये गैप होता है, ये चीज ध्यान रखना, ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड गैप, ये गैप आपका ध्यान रखना, ये आपका जो बेसिकली गैप रहता है 0.5 से 0.6 mm के बीच में हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, ये गैप क्या है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, और इसी में से हमारा क्या होता है स्पार्किंग जनरेट होती है। ठीक है, ये गैप आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं कितना गैप रहता है, तो 0.5 से 0.6 mm अपना रहेगा। ठीक है, तो ये अपना स्पार्क प्लग है जो कि अपन को क्या करता है करंट प्रोवाइड करवाता है, जो कि इग्निशन सिस्टम जनरेट करके स्पार्क प्लग को देता है। ठीक है, तो ये रहता है। नेक्स्ट है अपना स्पार्क प्लग। देखो आपके दो तरीके से स्पार्क प्लग लिखे हुए हैं आपके सामने, कोल्ड प्लग और हॉट प्लग। ठीक है, ए कोल्ड प्लग हैज द एडवांटेज ऑफ क्यूकर हीट ट्रांसफर। ठीक है, इट हैज ए शॉर्टर इंसुलेटर एंड अलाउिंग हीट टू ट्रेवल ए शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, हॉट प्लग हैज ए लॉन्गर इंसुलेटर एंड देयर फॉर हीट ट्रेवल पाथ फ्रॉम फायरिंग टिप टू इलेक्ट्रोड इज लॉन्गर। ठीक है, और नेक्स्ट होता है दिस इनेबल इज टू ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। देखो स्पार्क प्लग के लिए क्या नीड होती है हमारे पास, सॉरी ठीक है, देखिए बेसिकली हम लोग स्पार्क प्लग के लिए बात करें कि सर स्पार्क प्लग में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए स्पार्क प्लग जो है आपका कंबशन चैम्बर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, ये है हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने वाला होना चाहिए, हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस तो आपका टेम्परेचर राइज होता ही है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है कि आपके स्पार्क प्लग का कोई भी जो एलिमेंट है हीटेड होगा। ठीक है, तो हीटेड की वजह से प्री इग्निशन, आपको जैसे सेकेंड यूनिट में हमने देखा होगा प्री इग्निशन। ठीक है, तो प्री इग्निशन का इंसिडेंट भी हो सकता है, तो उससे ऐसा मटेरियल यूज में लेना चाहिए जो कि हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर सके, एज ए इंसुलेटर टाइप लेना चाहिए ताकि ज्यादा हीटेड ना हो, ताकि प्री इग्निशन को वो ऑकर नहीं कर सके। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो स्पार्क आपारी जनरेट हो रही है वो स्पार्क आपकी कंटिन्यूअस हो। ठीक है, जो भी उसका टाइमिंग पीरियड आप लोग डिजाइन में सेट करते हैं उस अकॉर्डिंग आपकी जो डिजाइन है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके स्पार्क प्लग के कुछ पॉइंट्स हैं। बेसिकली इन पे आपके शॉर्ट नोट आता है कि व्हाट इज स्पार्क प्लग। ठीक है, स्पार्क प्लग के बारे में, फायरिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो है सेकेंड यूनिट फिनिश हो रही है, सॉरी थर्ड यूनिट फिनिश है। ठीक है, इसमें हमें हम लोगों ने जो जो पढ़ा है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसमें क्या क्या देखा है। थर्ड यूनिट में हम लोगों ने सबसे पहले देखा इग्निशन सिस्टम। ठीक है, इग्निशन सिस्टम हो गया, फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया, कार्बोरेटर। ठीक है, इग्निशन सिस्टम तीन टाइप के देखे हमने, बैटरी, फिफ्थ मैग्नेटो, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉनिक या फिर मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा फायरिंग ऑर्डर। ठीक है, फायरिंग ऑर्डर हो गया आपका। ठीक है, स्पार्क प्लग हो गया। ठीक है, तो ये आपके थर्ड यूनिट के कंटेंट हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है,
इसमें से देखो, वैसे देखा जाए तो पूरा यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। कार्बोरेटर पे अच्छा क्वेश्चन आता है, कम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका कार्बोरेटर अच्छा टॉपिक है। फिर इग्निशन सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, बैटरो मैग्नेटो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, फायरिंग ऑर्डर हो गया और स्पार्क प्लग हो गया। तो इस तरीके से हमारी थर्ड यूनिट फिनिश होती है। किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।